एफ्रो यूरेशिया को अमेरिका से अलग करने के माध्यम से अटलांटिक महासागर ने मानव समाज के विकास, वैश्वीकरण और कई देशों के इतिहास में केंद्रीय भूमिका निभाई है। जबकि नॉर्थ अटलांटिक को पार करने वाले पहले ज्ञात मानव थे, ये 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस का अभियान था जो सबसे अधिक परिणामकारी साबित हुआ। कोलंबस के अभियान ने यूरोपीय शक्तियों द्वारा अमेरिका के अन्वेषण और उपनिवेशीकरण के युग की शुरुआत की, विशेष रूप से पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। 16वीं से 19वीं शताब्दियों तक अटलांटिक महासागर एक नामांकित दास व्यापार और कोलंबियाई विनिमय दोनों का केंद्र था, जबकि कभी कभी नौसैनिक युद्ध भी होते थे। इस तरह की नौसैनिक लड़ाइयां साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील जैसी क्षेत्रीय अमेरिकी शक्तियों से बढ़ता व्यापार दोनों 20वीं शताब्दी की शुरुआत में डिग्री में बढ़ गए। अटलांटिक महासागर एक लंबी ऐसाकार की बेसिन में फैला हुआ है जो पूर्व में यूरोप और अफ्रीका तथा पश्चिम में अमेरिका के बीच अनुदैर्ध्य रूप से फैला हुआ है। परस्पर जुड़े विश्व महासागर के एक घटक के रूप में यह उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर, दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर और दक्षिण में दक्षिणी महासागर से जुड़ा हुआ है। अन्य परिभाषाएं अटलांटिक को अंटार्कटिका तक दक्षिण की ओर विस्तारित होने के रूप में वर्णित करती है। भूमध्य रेखा द्वारा अटलांटिक महासागर को दो भागों, उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक में विभाजित किया गया है। एटलस का सागर या अटलांटिक सागर सात जहां नाम हेराक्लीस के स्तंभों से परे समुद्र को संदर्भित करता है, जिसे समुद्र जो सारी भूमि को घेरता है। आठ इन प्रयोगों में नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में टाइटन एटलस को संदर्भित करता है, जिसने स्वर्ग को सहारा दिया और जो बाद में मध्ययुगीन मानचित्रों में एक मुखपृष्ठ के रूप में दिखाई दिया और आधुनिक एटलस को भी अपना नाम दिया। नौ दूसरी ओर शुरुआती ग्रीक नाविकों और इलियड और ओडिसी जैसे प्राचीन ग्रीक पौराणिक साहित्य में इस सर्वव्यापी महासागर को ओशनस के रूप में जाना जाता था, जो दुनिया को घेरने वाली विशाल नदी थी। यूनानियों के लिए प्रसिद्ध संलग्न समुद्रों के विपरीत भूमध्य सागर और काला सागर। दस इसके विपरीत अटलांटिक शब्द मूल रूप से मोरक्को में एटलस पर्वत और जिब्राल्टर के जल्द मरुमध्य और पश्चिम अफ्रीकी तट के समुद्र को संदर्भित करता है। नौ प्राचीन इथियोपिया से लिया गया शब्द इथियोपियाई महासागर 19वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिणी अटलांटिक पर लागू किया गया था। 11 खोज के युग के दौरान अटलांटिक को अंग्रेजी मानचित्रकारों द्वारा ग्रेट वेस्टर्न महासागर के रूप में भी जाना जाता था। तालाब एक शब्द है जिसका इस्तेमाल ब्रिटिश और अमेरिकी वक्ता अक्सर उत्तरी अटलांटिक महासागर के संदर्भ में करते हैं, अर्थसूत्री विभाजन या विडम्बनापूर्ण अल्पमत के रूप में। इसका इस्तेमाल ज्यादातर तब किया जाता है जब तालाब के इस तरफ या तालाब के दूसरी तरफ या तालाब के उस पार की घटनाओं या परिस्थितियों का जिक्र किया जाता है, न कि महासागर पर चर्चा करने के लिए। 13 ये शब्द 1640 का है, जो पहली बार चार्ल्स आई के शासनकाल के दौरान जारी किए गए पैम्फलेट में छपा था और 1869 में नेहमिया वालिंगटन के हिस्टोरिकल नोटिस ऑफ इवेंट्स ऑकरिंग चीफली इन द रेन ऑफ चार्ल्स आई में पुनः प्रस्तुत किया गया, जहां चार्ल्स आई के विदेश मंत्री फ्रांसिस विंडेबैंक द्वारा अटलांटिक महासागर के संदर्भ में ग्रेट पॉन्ड का इस्तेमाल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन आईएचओ ने 1953 में महासागरों और समुद्रों की सीमाओं को परिभाषित किया था 17, लेकिन इनमें से कुछ परिभाषाओं को तब से संशोधित किया गया है और कुछ को विभिन्न अधिकारियों, संस्थानों और देशों द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, उदाहरण के लिए CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक। तदनुसार महासागरों और समुद्रों की सीमा और संख्या अलग अलग होती है। अटलांटिक महासागर पश्चिम में उत्तर और दक्षिण अमेरिका से घिरा हुआ है। ये डेनमार्क जल्द मरुमध्य, ग्रीनलैंड सागर, नॉर्वेजियन सागर और बेरेंट सागर के माध्यम से आर्कटिक महासागर से जुड़ता है। पूर्व में महासागर की वास्तविक सीमाएं यूरोप हैं, जिब्राल्टर की जल्द मरुमध्य जहां ये भूमध्य सागर से जुड़ती है, इसके सीमांत समुद्रों में से एक और बदले में काला सागर जो दोनों एशिया को भी छूते हैं और अफ्रीका।